सिंपल सी बात है, अगर तू कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें तुझे हैवी लिफ्ट करना ही है। तू 6 से 8 रैप भी निकाल पा रहा है, 6 रैप भी निकाल पा रहा है, ऐसा वेट चूज कर, पूरा का पूरा वजन जो है हमारा पीछे वाला भाई उठा रहा है। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे धमाकेदार टिप्स देने वाला हूं दोस्तों, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में 4 चांद लगा देगी। जी हाँ मेरे भाइयों, सिर्फ इन 3 टिप्स को आज से अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करो, फॉलो करो, देखना आपको बहुत ही गजब की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, चेंजेस जल्दी देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो फटाफट से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है वेट सिलेक्शन। 90% से भी ज्यादा लड़के अपनी मसल बिल्डिंग में फेल क्यों होते हैं, इसके सबसे बड़े रीजन है दोस्तों वेट सिलेक्शन। हम नहीं पता लगा पाते कि भाइयों मेरी बॉडी को कितना वेट चाहिए, अपनी प्लेट्स आपको लगानी, कितने के डंबल आपको लगाने हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहती है तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं, जो मेरे कोच ने मुझे बताई थी आज से कुछ सालों पहले, जब मैं भी इन चीजों में बड़ा कंफ्यूज रहता था। उन्होंने मुझे बताया था कि देख सिंपल सी बात है, अगर तू कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें तुझे हैवी लिफ्ट करना ही है, ठीक है। जैसे कि तू बेंच प्रेस मार रहा है, इंक्लाइन बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट, इन सब में तुझे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर कि तू हैवी लिफ्ट कर, हैवी इतना कि तू आराम से 10 से 12 रैप लगा सके पहले दूसरे तीसरे सेट में। अगर बात आती है चौथे सेट की, तीसरे सेट की, अब कोई 5 सेट भी लगाता है तो उनमें अगर तू 6 से 8 रैप भी निकाल पा रहा है, 6 रैप भी निकाल पा रहा है, ऐसा वेट चूज कर। हाँ अगर उस सेट में तेरा हाथ पूरे भर जा रहे हैं कि तू नहीं लिफ्ट कर पा रहा, ऊपर से तेरे सपोर्टर 90% जाल लगा रहा है, 80% जाल लगा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन उनका कहने का मतलब ये था कि कंपाउंड एक्सरसाइज में आप ऐसा वेट चूज करो कि 8 से 12 में आपका फेलियर आ जाए, और आइसोलेशन मूवमेंट कम लेना है और रैप्स हमें ज्यादा लगाने, लाइक 18 से 20 में हमारा फेलियर आ जाए। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस भाई को देखो जो मैं खुद हूँ। अब आप छोटा सा एग्जांपल देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें मैंने बहुत ही कम वेट लगा रखा है इंक्लाइन पे, लेकिन मैं तरीके से रैप निकाल रहा हूँ। वही दोस्तों आप इस क्लिप में देखोगे तो भाइयों ये जो भाई है पूरा का पूरा वजन जो है हमारा पीछे वाला भाई उठा रहा है, तो यही तो हमने गलती कर दी। अब आपकी मसल पे लोड पड़ ही नहीं रहा है बल्कि वो लिफ्ट कर रहा है वेट को, तो बस ये गलती आपको आज से बिल्कुल भी नहीं करनी है और तरीके से वेट आपको मारना है जितना आप मार सको। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है हमारा सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ मेरे भाइयों, हम सब लोग सपोर्ट जरूर लेते हैं कि भाई सपोर्ट लगा दे, लेकिन सपोर्ट लगाने का मकसद आजकल कुछ अलग ही हो गया है। सपोर्ट में ऐसा होता है कि 50% जान नीचे वाला लगा रहा है और 50% लगा रहा है, या दोस्तों 40% नीचे वाला, 60% ऊपर वाला, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको हल्का सा पुश करना है, लाइक 2 उंगली से 3 उंगली से, ताकि उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ये नहीं कि भाइयों पूरा कस के पकड़ और उसे उठा रहे हो, तो भाइयों उसकी मसल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना ही उसकी मसल बिल्ड होगी। और ये ईगो लिफ्टिंग होती है भाइयों, इससे ना किसी की मसल बनी है ना बनेगी, हाँ इससे आपको इंजरी जरूर हो जाएगी। तो मैं भी आजकल जिम में देखता हूँ मेरे छोटे छोटे भाई बहुत सारे, मेरे खुद के भाई भी ये सब गलती करते हैं, तो प्लीज आप ये गलती करना बंद कर दो। लास्ट जो पॉइंट आता है वो है एनर्जी फ्लो। जी हाँ मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई होते हैं कि जिनको वर्कआउट के 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पाते। इसके दोस्तों 2 से 3 सबसे बड़े मेन रीजन है, लेकिन आज मैं पहले रीजन को बताऊंगा, जो कि है भाइयों कार्ब्स। आपने एक दिन पहले आपकी डाइट में ना कार्ब्स बहुत ही ज्यादा कम है, और कार्ब्स कम होने की वजह से दोस्तों हमारी एनर्जी जल्दी हम खो देते हैं और हम अपना प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते। तो मैं आपको दुबले पतले भाइयों को बता रहा हूँ जो गेनिंग करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी भाइयों आप गेनर लेना शुरू कर दो वर्कआउट से पहले। आप लोग देखोगे कि आपको बहुत ही तगड़ा पंप और दोस्तों एनर्जी लेवल आपके बने हुए हैं। वैसे तो मैं आपको बोलूँगा आप खाना खाओ, केले खाओ, चावल खाओ, दही खाओ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, वो सब चीज़ें तो आपको खानी है, लेकिन अगर आप एक गेनर ऐड कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया है। मैं हमेशा से दोस्तों एक ही गेनर पर ट्रस्ट करता हूँ, जो कि है मसल गिराज न्यूट्रिशन का DNA एनाबॉलिक मास गेनर। इसकी हर सर्विंग में आपको लगभग 500 कैलोरीज मिलती है और 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है मेरे भाइयों। आप लोग इसका रेट देखोगे 3 kg 5 kg का, तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई यही हमारे लिए ही बनाया। और मेरे बहुत सारे छोटे बड़े भाई यहाँ पे आसपास के इस गेनर को खा के उन्होंने काफ़ी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करी है, और आप लोग जानते हो आयुष आदित्य के बारे में, उनकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है चैनल पे कि कितना बढ़िया उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इसे किया है। शुरुआत करनी है आपको दोस्तों एक एक स्कूप से, जो आपको वर्कआउट से पहले लेना है, और उसके बाद दोस्तों जब आपको लगे कि मुझे डाइजेस्ट बढ़िया से हो रहा है, कोई ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप लोग को दोस्तों वर्कआउट के बाद भी एक स्कूप लेना शुरू करना है, पानी के साथ दोनों टाइम आपको लेना है। याद रखिए इस बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीना है, और दोस्तों ज़्यादा भार का फूड अवॉइड करना, जिससे आपको डाइजेशन अपसेट
नहीं होगा। तो अगर आपको लेना है तो tnponline.in और वेंसल गैराज की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया, वहां से जाके आप लोग ले सकते हो। पहले 3 kg ट्राई करके देखो, रिजल्ट अच्छा है तो 5 kg लेना। मिनिमम 3 महीने का कोर्स होता है गेनर का, जो आपको खाना ही खाना है, तब जाके आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन एनर्जी फ्लो आपको 7वें 8वें दिन से फील होने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। लव यू, जय श्री राम, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।